हेलो स्टूडेंट, सभी को नमस्कार। तो अपना टॉपिक चला था विलयन की सांद्रता का इकाई, लंबा थोड़ा टॉपिक है, इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, दो तीन दिन हो गए इसे चलते। तो उसका आगे का अपना भाग है, मोललता हो गई थी कल, तो आज अपने नंबर 6 है का मोल भिन्न, मोल फ्रैक्शन, मोल भिन्न, इसे मोल अंश भी कहते हैं, इसे मोल प्रभाज भी कहते हैं। प्रदर्शित करते हैं इसे x से, कैपिटल x, मोल भिन्न, मोल अंश या मोल प्रभाज इन x, ठीक है। इसे मोल अल्पांश को किया था छोटे अंश, मोल अल्पांश किया था बड़े अंश, इसी प्रकार मोल भिन्न को किसे प्रदर्शित करते हैं, x से, ठीक। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है। तो मोल भिन्न कहते किसे हैं, तो देख मोल में भूति कहते हैं किसी विलयन में किसी अवयव या घटक, अवयव कह दीजिए या घटक कह दीजिए, किसी अवयव की मोल भिन्न उस अवयव की मोल संख्या व कुल मोल संख्या का अनुपात होती है। विलयन में किसी अवयव की मोल भिन्न या विलयन में किसी घटक की मोल भिन्न उस अवयव की मोल संख्या व कुल मोल संख्या का अनुपात होती है, ठीक है। माना विलयन में दो घटक है, माना विलयन में दो अवयव, अवयव कह दीजिए चाहे घटक कह दीजिए, है एक है ए व दूसरा ले लिया बी, ठीक है। ए की मोल संख्या को लिखते हैं एन ए से, नंबर ऑफ मोल, एन ए की मोल संख्या क्या हो जाएगी एन ए, इसी प्रकार बी की क्या हो जाएगी एन बी, बी की क्या हो जाएगी एन बी, और मोल भिन्न को किसे लिखते हैं एक्स, तो मोल भिन्न एक्स की ए की क्या हो जाएगी एक्स ए, बी की क्या हो जाएगी एक्स बी, ठीक है। माना विलयन दो घटक है, एक ए है दूसरा बी है, ए की मोल संख्या एन ए, बी की मोल संख्या एन बी है। मोल भिन्न को किसे लिखते हैं एक्स से, तो ए की मोल भिन्न निकालेंगे तो क्या लिखेंगे एक्स ए, बी की क्या निकालेंगे एक्स बी। अब आइए परिभाषा थी अपनी, विलयन में किसी घटक या अवयव की मोल संख्या उस अवयव की मोल संख्या बटे कुल मोल संख्या होती है, ठीक है। तो मैं नीचे बात करूं, कुल मोल संख्या, कुल मोल संख्या बराबर ए की मोल संख्या एन ए, बी की एन बी, सी होता है एन सी, जितने भी कुल मोल संख्या क्या हो जाएगी एन ए प्लस एन बी, कुल मोल संख्या दोनों को जोड़ दो क्या हो जाएगी एन ए प्लस एन बी। तो एक्स ए बराबर अवयव ए की मोल भिन्न, अवयव ए की मोल भिन्न एक्स ए बराबर क्या हो जाएगा उस अवयव की मोल संख्या, उस अवयव की मोल संख्या कौन एन ए, तो क्या हो जाएगा एन ए बटे कुल मोल संख्या एन ए प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी। तो घटक ए की मोल संख्या निकाल लिए तो उसका जो मोल संख्या दे रखा है उसमें कुल मोल संख्या का अपन दे देंगे भाग, ठीक है। इसी प्रकार क्या निकालेंगे एक्स बी, अवयव बी की मोल संख्या क्या निकालेंगे उस अवयव की मोल संख्या कितनी है एन बी, तो एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, उसके मोल संख्या में क्या दे देंगे कुल मोल संख्या क्या दे देंगे भाग क्या हो जाएगा अवयव बी की मोल दे। तो इस प्रकार जितने भी घटक है सी के तो क्या हो जाएगा सी बी, जितने भी घटक है उसके अनुसार तुम चलते। ये थी अपनी मोल भिन्न, ध्यान रखना विलयन की कुल मोल भिन्न होती है ए, तो लिखते हैं एक्स ए प्लस एक्स बी और भी हो सी डी एक्स, तो सभी की मोल संख्या कितनी होती है ए, विलयन की कुल मोल भिन्न है, विलयन की कुल मोल भिन्न एक होती है इकाई होती है, विलयन की कुल मोल भिन्न कितनी होती है एक होती है, दोनों का योग आया कि जितने घटक की मोल अंश का योग कितना आ जाएगा एक। इस प्रकार अपन निकालेंगे मोल भिन्न, इस पर अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन है
उसकी तो किसी का भी मोल निकाल उसकी मोल संख्या बटे कुल मोल संख्या जो बी देर का सी जीरो की मोल संख्या बटे कुल मोल संख्या। बात यह आती है मोल संख्या दे भी सकता है नहीं भी दे सकता, तो वही किसी भी उसकी मोल संख्या निकाल तो अपने मोलरता या मोललता में कहता है किसी की मोल संख्या निकालिए तो उसके भार में क्या दे देंगे अपन उसका अणुभार का भाग देकर क्या निकालेंगे उसकी मोल संख्या। ठीक है, तो ये थी अपनी मोल भिन्न विलयन में किसी की मोल भिन्न उस मोल संख्या कुल मोल संख्या का अनुपात होती है और इस पर उपमों की सहायता से अपन उसका क्या निकाल लेंगे मोल भिन्न। ध्यान रखना जितने भी घटक उनकी मोल भिन्न देकर सभी का योग कर दी जाए योग एक आ रहा है तो अपना निवेदन क्वेश्चन से यह था गलत है। ठीक है, तो ये थी अपनी मोल भिन्न, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।